लास्ट टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट टाइम हार्ट का डायग्राम पढ़ा था, कैसे ड्रॉ किया है, कितने चैम्बर हैं, कैसे उनकी पोजीशन कहाँ है, ये सब पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है। अभी अपनी इनकी वर्किंग शुरू करते हैं, वर्किंग ऑफ हार्ट। जैसा कि मैंने यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स आपको लास्ट टाइम बताई थी, अभी यही ब्लड वेसल्स का फंक्शन आने वाला है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, मैंने एक बार और दोबारा से ये डायग्राम बनाया है इधर, ताकि मैं थोड़ा और क्लियरली आपको बता सकूं। तो सबसे पहले हार्ट कहाँ से लेता है ऑक्सीजन? यहाँ एल्वियोलाई से, ठीक है। एल्वियोलाई से ब्लड के थ्रू, ब्लड में हीमोग्लोबिन बताया था, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन को बाइंड करेगा, और ये ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक है, पल्मोनरी वेन के थ्रू ये क्या आ रहा है, सारा ब्लड। और ये ब्लड क्योंकि इसके साथ क्या मिक्स हो गई है, ऑक्सीजन, तो ये कौन सा ब्लड बन गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया अभी। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी कर रहा है, पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आएगी और कहाँ सेंड करेगी, लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। ओके, अब क्या हो जाएगा, हार्ट का ये चैम्बर एक्सपेंड हो गया जैसे इसके अंदर ब्लड आया। एक्सपेंड होने के बाद जैसे ही ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में जाएगा, यहाँ पर एक वॉल्व होती है, V1 वॉल्व। ये V1, V2 यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ, V3, V4। तो सबसे पहली वॉल्व है यहाँ पर V1 वॉल्व, VALVE है ये। तो लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये V1 वॉल्व ओपन हो जाएगी। ओपन हो करके सारा ब्लड कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, ये वॉल्व फिर से बंद हो जाएगी, ठीक है। इसका बंद होना क्यों जरूरी है, ताकि वापस बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो पाए लेफ्ट एट्रियम में। तो पल्मोनरी वेन से ये ब्लड आया ऊपर एल्वियोलाई से, ऑक्सीजन को लेकर के पल्मोनरी वेन के थ्रू होता हुआ लेफ्ट एट्रियम में गया। लेफ्ट एट्रियम से फिर V1 वॉल्व ओपन हुई, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ V1 वॉल्व ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चले जाएगा और लेफ्ट और V1 वॉल्व फिर से क्लोज हो जाएगी, ताकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो पाए। अब यहाँ से कहाँ जाएगा ब्लड, अब यहाँ पर मैं इसका एरो बना देती हूँ। यहाँ पर एरो मतलब जो बता रहा है ब्लड कहाँ आ रहा है, यहाँ से इसके अंदर। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, इधर V3, ये ओपन होएगी। और यहाँ क्या है, हमारी मेन आर्टरी जिसको एओर्टा भी बोलते हैं। तो जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो V3 वॉल्व ओपन हो जाएगी। ये वॉल्व जैसे ही ओपन होएगी तो मेन आर्टरी के अंदर फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर आगे कहाँ जाएगा, मेन आर्टरी आगे डिवाइड हो जाती है आर्टरीज में, ठीक है, और ये आर्टरीज फिर आगे कैपिलरीज में। तो ये कैपिलरीज बेसिकली इस ब्लड को, जो मेन आर्टरी से आ रहा है, इस ब्लड को ये कैपिलरीज लेकर के जाएंगी किसके पास, बॉडी सेल्स के पास। ये आ गया हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ आ गया अब हमारे पास, बॉडी सेल्स के अंदर आ गया। बॉडी सेल्स के अंदर कौन लेकर के आया, कैपिलरीज, ठीक है। ये कैपिलरीज होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आई हैं। तो इसके अंदर, ब्लड के अंदर क्योंकि फूड भी होता है, ऑक्सीजन भी है, तो ये सारी की सारी ऑक्सीजन इस फूड को तोड़ने में यूज हो जाएगी। और क्या निकल जाएगा, CO2, वाटर एंड एनर्जी, ठीक है। ये एनर्जी तो हमारी सेव हो जाती है। और जो CO2 है, अब ये CO2, क्योंकि ऑक्सीजन तो खत्म हो गई, अब तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहा ही नहीं, अब ये CO2 क्या करेगी, जो बॉडी सेल्स के साथ आगे फर्दर वेसल्स होती हैं, ये वेसल्स क्या करती हैं, जिसके ये CO2 इन ब्लड वेसल्स के साथ मिक्स हो जाएगा और ब्लड को क्या बना देगा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सी और ऑक्सी का मतलब क्या है यहाँ पर, ऑक्सी मतलब जो प्योर है, डीऑक्सी जो इम्प्योर है। तो बॉडी सेल्स के अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हुआ, जिससे CO2 निकल गई, जो ऊपर से ब्लड में ऑक्सीजन आ रही थी वो अब यूज हो गई, अब CO2 निकल रही है, CO2 फिर से ब्लड में मिक्स होएगी और ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड बना देगी। इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आगे लेकर के जाएंगे मेन वेन। तो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये मेन वेन, वेना कावा भी बोलते हैं जिसको हम, लेकर के कहाँ लेकर के जाएगी, राइट एट्रियम में। तो एरो लगा दो यहाँ की तरफ, अब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगी, V2 वॉल्व ओपन होएगी और सारा ब्लड कहाँ आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब राइट वेंट्रिकल
कॉन्ट्रैक्ट होगी तो अब सारा ब्लड कहाँ पंप हो जाएगा, वी फोर वॉल्व ओपन होगी, राइट वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगी वी फोर वॉल्व ओपन हो जाएगी और ओपन होकर के कहाँ चला जाएगा सारा ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से फिर ये ब्लड, ये कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वापस कहाँ चला जाएगा, एल्वियोलाई में। तो ऊपर से ऑक्सीजन आ रही थी पहले, अब यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो एल्वियोलाई लंग्स के थ्रू फिर नॉस्ट्रल से होती हुई कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी। ठीक है, इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो लेफ्ट पार्ट है हार्ट का इट कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द राइट पार्ट ऑफ द हार्ट इट कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये देखो नीचे भी लिखा हुआ है, जो मेन वेन के थ्रू आ रहा है और राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू एल्वियोलाई में जा रहा है। तो राइट पार्ट ऑफ द हार्ट कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, अब एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देने वाली है, जिसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है कि जो हार्ट होता है वो टू टाइम ब्लड को रिसीव करता है। एक बारी मैं इसको आपको फ्लो डायग्राम के थ्रू बताऊँ, अगर ये फ्लो डायग्राम है, वही सेम पीछे जो बनाया हुआ है उसी को मैंने डायग्राम ना बना करके सिंपल लिखा हुआ है, जैसे लंग्स हार्ट एंड बॉडी सेल्स, सेम वही चीज़ है, बस वहाँ पर हार्ट का मैंने डायग्राम बना दिया था, यहाँ पर मैंने सिंपल एक बॉक्स के थ्रू बताया है, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ से अभी हम देखेंगे हार्ट दो बार कैसे ब्लड को रिसीव कर रहा है। एक बार यहाँ से देखें आप, लंग्स से हार्ट में जा रहा है और वापस हार्ट से लंग्स में जा रहा है। तो इस तरह का जो सर्कुलेशन है, जो लंग से हार्ट में और हार्ट से वापस लंग्स में जा रहा है, पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, इस तरह के सर्कुलेशन को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, क्योंकि पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी कर रही है, तो ये जो सर्कुलेशन है लंग से हार्ट और हार्ट से लंग्स, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। देन सेकेंड सर्कुलेशन जो है, हार्ट से बॉडी सेल एंड बॉडी सेल से वापस हार्ट, इस तरह के सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो दो सर्कुलेशन हो गए, हार्ट टू टाइम रिसीव कर रहा है ब्लड को, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ये क्वेश्चन डबल सर्कुलेशन के नाम से भी आ सकता है, मैकेनिज्म ऑफ डबल सर्कुलेशन वर्किंग ऑफ हार्ट के थ्रू भी आ सकता है। तो आप इसको किसी भी डायग्राम के थ्रू कर लें, जो भी आपको इजी लगता है। तो ये हमारा यहाँ पर डबल सर्कुलेशन खत्म हो गया। मेन आर्टरी से आर्टरीज और फिर कैपिलरीज कैसे बनती है, ये डायग्राम आपने बना लिया होगा। ये देखो, ये मेन आर्टरी है, ये फर्दर ब्रांचेज में कन्वर्ट हो गई और इसने क्या बना दिया, कैपिलरीज। कैपिलरीज अब बॉडी सेल्स को क्या देती हैं, फूड और ऑक्सीजन, जिससे फिर ये क्या रिलीज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर वेन के थ्रू वापस हार्ट के पास चली जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो ये वाली चीज़ यहाँ पर आपको बताई गई है, कैपिलरीज ही बॉडी सेल्स को देती हैं, फिर बॉडी सेल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेता है, वेन्स लेती है, मेन वेन आ गई आगे। तो यही सेम चीज़ यहाँ बताई गई है, आर्टरीज कैपिलरीज एंड देन वेन। कैपिलरीज बेसिकली बॉडी सेल्स को फूड एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। ठीक है।